गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने रिसेंटली एक ट्रिप प्लान किया था मैसूर का, जैसे कि तीन छुट्टियां थी मंडे का मिला के, वीकेंड पे तो लॉन्ग वीकेंड था, तो सोचा कि कहीं मैसूर नियर बाय लोकेशन पे हम घूम के आते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:20 और हमने अर्ली मॉर्निंग ये ट्रिप प्लान किया था, तो सर जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होके बस हम निकल रहे हैं, क्योंकि अराउंड 10:30 हमारी ट्रेन थी, हमने ट्रेन से ये ट्रिप प्लान किया है। बाई ट्रेन ही हम जाएंगे, ट्रेन लिफ्ट जल्दी से ओपन किया, हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जाके हम अपनी कैब बुक करेंगे, कैब बुक से हम सीधा स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे बैंगलोर का, स्टेशन मैसूर के। तो हमने अपनी शताब्दी में एग्जीक्यूटिव चेयर कार बुक की थी। काफ़ी टाइम के बाद अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और एक्साइटेड भी थे कि हाँ ट्रेन में ट्रैवल करेंगे अब इतने टाइम के बाद, और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ट्रेन का जो सफ़र था वो भी बहुत ही अच्छा था, पर उनको भी ट्रैवल करना अच्छा लगता है। बचपन से ही इसको जैसे ही बाहर जाए तो ये बहुत ही एक्साइटेड होती थी, ऐसे ये भी थी, और इसके लिए तो बहुत ही न्यू था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करी है, तो काफ़ी खुश थी। और ट्रेन ट्रैवल करने का एक और बेनिफिट है कि आपको जो है व्यूज़ भी अच्छे अच्छे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में जो है कि आप ट्रैफिक से बच जाएंगे और आपका काफ़ी टाइम जो है बच जाएगा। इसलिए हमने ये बाई ट्रेन प्लान किया था कि हम बाई ट्रेन जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि उसमें ट्रैफिक कितना होता है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे अपना। पहुँचते ही हम अपने होटल में गए, कुछ एक दो घंटे में रेस्ट की क्योंकि अभी जो भी था। हम शाम को फिर निकले, शाम को फिर हम हमारे होटल के नियर बाई एक चर्च था, बहुत ही फेमस था वो अपने आर्किटेक्चर के लिए, तो उसका नाम था सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, जो एशिया के टॉलेस्ट चर्चेस में से एक है, और ये बहुत ही खूबसूरत था। हमने वहाँ जाकर जो रियलिटी में देखा बहुत ही सुंदर था, और एक्चुअली अंदर जाना अलाउ नहीं था, आई थिंक सम मीटिंग, कोई मीटिंग चल रही थी अंदर, जो फादर्स एंड ऑल सब कुछ कर रहे थे, तो हमें अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो हमने सोचा चलो अभी हम बाहर से ही देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी हम प्लान करेंगे। तो बाहर से भी ये बहुत ही खूबसूरत था, शाम के टाइम पे इसकी जो लाइटनिंग थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इसके बाद हम पहुँचे सबसे जो फेमस जगह है मैसूर की, मैसूर पैलेस, और अम्बा विला भी कहते हैं इसको, एक हिस्टोरिकल पैलेस है और ऑफिशियल रेजिडेंस भी है अभी तक ये रॉयल पैलियर का। तो नाइट टाइम इसमें क्या है, 1 लाख समथिंग बल्ब्स जो है तो वो जगते हैं, और इसमें साउंड एंड म्यूजिक, साउंड एंड लाइट शो होता है, तो हमें उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन हम गए, हमें कुछ ना समझ नहीं आया क्योंकि जो उनकी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है उसमें था, तो फिर भी हमने देखा थोड़ा बहुत। एंड अगर इसका बैचेस में होता है तो नेक्स्ट डे हम गए चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि चामुंडी हिल्स पे है और 13 किलोमीटर्स दूर है मैसूर से, सो अराउंड आधा घंटा लगेगा यहाँ पे जाके जाने का। और
इसे आप मॉर्निंग में ही विज़िट करें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ही मुश्किल था दर्शन। तो इसी के बाद हम सबसे लास्ट में आज हमारा ट्रिप का एंड डे था, तो हमने सोचा कि चलो हम डे व्यू भी देख लेते हैं पैलेस का, क्योंकि इनसाइड व्यू दिन में ही देते हैं, रात में सिर्फ लाइट एंड साउंड शो ही होता है। तो दिन में भी काफ़ी क्राउड था यहाँ पे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे कई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए टिकट लेने के बाद। फिर हम जाके शूज उतारने करके ये है एंट्रेंस, और आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि महल के अंदर कितनी भीड़ होगी। तो सबसे पहले एंट्रेंस में ये हॉल आएगा, ऐसे ये सब जो पिलर्स हैं इनके ऊपर जो भी ये गोल्डन कलर का, ये रियल गोल्ड से बनाए हुए हैं, और ये उनका मैरिज हॉल था, जो भी रॉयल फैमिली थी यहीं पे उनकी जो मंडप लगते थे तो यहीं पर सब कुछ होता था। उसके बाद इस सब कि इतना अच्छा था अंदर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतनी बारीकी से सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत बहुत ही खूबसूरत था देखने में। उसके बाद हम लोग वापस आ गए स्टेशन, अगेन हमने वंदे भारत ट्रेन बुक की थी, तो काफ़ी अच्छी थी ये भी, एकदम कंफर्टेबल थी बहुत ही, और इसमें स्क्रीन भी दिया। इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।